ये दो लड़के गिरफ्तार हुए, आकाश कस्सा 23 साल का भटगांव सोनीपत का और दूसरा नितेश सिंटी घीकरा गांव चरकी दादरी। इन लड़कों को कुछ नहीं पता होता कि पीछे कितनी डिमांड है, कितने उसका टारगेट का प्रोफाइल भी नहीं पता होता इनको, इनको कुछ नहीं पता था, इनको तो बस ये हाउस नंबर है, ये इसकी फ़ोटो है, यहाँ से बाइक उठाना, यहाँ से पिस्टल उठाना, यहाँ जाके इतनी गोलियाँ चला देना, फिर बाइक को वापस वहाँ छोड़ देना। हमारी NDR की जो टीम है बहुत बेहतरीन काम कर रही है बहुत दिनों से। पीछे भी जितनी गोलियों की वारदात हुई थी दिल्ली में इस तरह के गैंग्स की, सब NDR ने सॉल्व किए हैं। ये DCP हमारे अमित गोयल के सुपरविज़न में, ACP उमेश भरतवाल और इंस्पेक्टर रामपाल की टीम थी इस केस में, तो इस केस में बिल्कुल भी क्लू नहीं था। और फुटेज में भी देख देख के दिल्ली पुलिस के सभी लोग परेशान थे, क्योंकि लड़के तो ये बाहर से मंगाते हैं, तो इसमें डंप एनालिसिस, टेक्निकल जो CCTV का एनालिसिस सब कुछ करके, फिर मैनुअल इनपुट सबको आपस में मेल जोल करके ये दो लड़के गिरफ्तार हुए, आकाश कस्सा 23 साल का भटगांव सोनीपत का और दूसरा नितेश सिंटी घीकरा गांव चरकी दादरी, दोनों हरियाणा के लड़के हैं। इनका जो हिंटरलैंड है जिससे ये लड़के फुट सोल्जर लाते हैं, ज़्यादातर आउटर दिल्ली का जो रूरल एरिया और उससे लगता हुआ सोनीपत झज्जर रोहतक वाली जो बेल्ट है, वहीं से ज़्यादातर इनके इस तरह के काम ये करवाते हैं। और इन लड़कों को कुछ नहीं पता होता कि पीछे कितनी डिमांड है, कितने उसका टारगेट का प्रोफाइल भी नहीं पता होता इनको कि ये क्या चीज़ है। जैसे इसमें ये XML था, बट इनकी इनको कुछ नहीं पता था, इनको तो बस ये हाउस नंबर है, ये इसकी फ़ोटो है, यहाँ से बाइक उठाना, यहाँ से पिस्टल उठाना, यहाँ जाके इतनी गोलियां चला देना, फिर बाइक को वापस वहाँ छोड़ देना।